गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग एकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसमें जैसे आप थंबनेल पर देख पा रहे हो, रिसेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। इसके अंदर जो मई मंथ में आए हुए, मई मंथ पे वीडियो क्वेश्चन आए हुए, ये थर्ड वीडियो अपना, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको निकालने हैं खुद से भी, ठीक है ना। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और इसी मई मंथ में पूछे गए हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कल कोई होमवर्क नहीं दिया था, तो आज चलते हैं हम डायरेक्ट क्लास के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज कलेक्टिंग ए यूरिन ऑफ ए 4-year-old चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट द कलर ऑफ द चाइल्ड्स यूरिन द नर्स एक्सपेक्टेड टू विल चार्ट। ऑप्शन देखें, ए डार्क एंड फ्रॉथी, ऑप्शन बी ब्राइट रेड, ऑप्शन सी अम्बर, ऑप्शन डी ऑरेंज। के एक नर्स है, वो 4 ईयर बच्चे का यूरिन कलेक्ट कर रही है, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो इनमें से कौन सा कलर ऑब्जर्वेशन करेगी कि नर्स, इनके इसमें डायरेक्ट पूछा है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट है, 4 ईयर 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसका यूरिन का कलर क्या होगा, ये पूछा है इसमें। इसका आपने हर एक क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा टाइम दूंगा आपको, जैसे हर वीडियो में देता आया हूँ, ताकि आप कमेंट कर सकें, आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो कमेंट सबने करना है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, एक वीडियो है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ऊपर है, ओके। तो यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन्यूरिया होता है। जब यूरिन के साथ प्रोटीन आएगा तो वहाँ पे वो थोड़ा डार्क कलर हो जाएगी एंड वो फ्रोथी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डार्क फ्रोथी कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर। ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर गिवर प्रोवाइड केयर फॉर ग्रुप ऑफ पेशेंट हैव सेम डायग्नोसिस एट सेम सिटिंग, व्हाट इज द कंसीडरिंग। एक ऑप्शन देखें, एक केस मैनेजमेंट, ऑप्शन बी फंक्शनल, ऑप्शन सी प्राइमरी, ऑप्शन डी टीम। एक ग्रुप है हेल्थ केयर गिवर्स का, जो एक ग्रुप को हेल्थ एजुकेशन दे रहा है, एक जो सेम, जिनका सेम डायग्नोसिस है, ओके, और सेम जगह पे बैठे हैं, सेम डायग्नोसिस है, उनको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये क्या कंसीडर करता है बताइए। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में आया है, कुवैत के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। मैंने शुरू से बता दिया है कि सऊदी प्रोमेट्रिक में सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि दो या दो से ज़्यादा एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस में इसके अंदर लेके आऊँ इसी महीने में, जो जिनके बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एक एग्जाम में, कॉमन क्वेश्चन है, वो मैं कोशिश करता हूँ वीडियोज़ में लाने की, ताकि सभी की हेल्प हो सके, ओके। तो ये क्या कंसिडर करता है, ये है केस मैनेजमेंट, यहाँ पे केस मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री नंबर। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, द साइकोसोशियल टास्क ऑफ एडोलसेंस इज द डेवलपमेंट ऑफ ए सीन ऑफ आइडेंटिटी। द नर्स कैन बेस्ट प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ ए हॉस्पिटलाइज एडोलसेंट बाई। ऑप्शन देखें, ए अलाउिंग द पेशेंट एंड सिबलिंग टू विजिट फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन बी एम्फेसाइजिंग टू फॉलो द फैसिलिटी रेजिम, ऑप्शन सी अरेंजिंग फॉर ट्यूटरिंग इन स्कूल वर्क, ऑप्शन डी एंकरेजिंग पीयर विजिटेशन। इनके एरिक्सन के अकॉर्डिंग, एरिक्सन की थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग साइको सोशल जो टास्क है किसके लिए, एडोलसेंट के लिए, जो कि उसके डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, ठीक है। तो उसमें पूछा कि द नर्स कैन बी बेस्ट प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ ए हॉस्पिटलाइज एडोलसेंट बाय। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में आया है, एंड कतर के एग्जाम में आया है, ओमान के एग्जाम में आया है, चार एग्जामों में ये मई मंथ में रिपीट हुआ है।
देखिए ऐसा मैं सोचना कि ये सेम क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन देखो सभी एग्जामों में सेम नहीं आता है, एक एज इट इज सेम नहीं आता है, लेकिन ये लाइक क्वेश्चन यही होता है समटाइम्स ऑप्शन अंदर दे के क्वेश्चन के अंदर से ऑप्शन पूछ लेता है अपोजिट करके, इनके सेंटेंस थोड़ा चेंज कर देता है, एज इट इज नहीं पूछता है, सेंटेंस थोड़ा चेंज कर देता है, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना, बस क्वेश्चन को आप समझो और आंसर उसके हिसाब से समझ के दो आप। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरेंजिंग टू ट्यूटोरिंग इन स्कूल वॉक, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ए 50-year-old man प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर हैविंग सफर्ड ए फॉल व्हाइल अ प्रैक्टिसिंग माउंटेन बाइकिंग, ही अपियर्स कंफ्यूज एंड डिसोरिएंटेड, हिज फ्रेंड रिपोर्ट्स दैट ही हैड बीन थ्रोन ओवर द हैंडल बार्स एंड हिट हिज हेड अगेंस्ट ए रॉक, बीपी अरे 108/86, हार्ट रेट है 102, हर्ट रेस्पिरेशन है 22, टेम्परेचर है 37, ऑक्सीजन है 99%, विच इनिशियल इंटरवेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सा इनिशियल इंटरवेंशन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनमें से। ऑप्शन देखें, टेंडल बग पोजिशन, ऑप्शन बी सेरेब्रल इमोबिलाइजेशन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, डी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। इनके 50-year-old man है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, जो बाइकिंग कर रहा था माउंटेन एरिया के अंदर, लेकिन वो बाई मिस्टेक वहाँ पे गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके फ्रेंड ने बताया कि सॉरी वो गिरने के बाद इमरजेंसी में वो कंफ्यूज है डिसोरिएंटेड है, उसके फ्रेंड ने उसको बताया कि उसका जो हैंडल है बाइक का हैंडल है वो उसको लगा और उसका हेड है वो रॉक के इनके पत्थर पे जाके टकराया है। तो ऐसी वाले कंडीशन में वाइटल साइंस सबके सब ठीक आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, तो ऐसी वाले कंडीशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट इनिशियल इंटरवेंशन क्या होगा? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में भी आया, हार्ड में भी आया है, कुवैत के एग्जाम में आया है। हर एक क्वेश्चन के बीच में टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप कमेंट करें, कमेंट सबको करना है, जिसको भी नहीं आता है एक बार गलत तक कमेंट करेंगे तो आगे के लिए वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनिशियल इंटरवेंशन क्या होगा, जो सेरेब्रल है उसको इमोबिलाइजेशन, सेरेब्रल इमोबिलाइजेशन इज अ मोस्ट प्रायोरिटी, ओके। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए नहीं प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ऑटो सेचुरेशन ऑलरेडी 99% आ रहा है उसका, ऑक्सीजन सेचुरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए सेरेब्रल इमोबिलाइजेशन उसको प्रायोरिटी देंगे। जो सर्वाइकल इमोबिलाइजेशन, जिनके सर्वाइकल कॉर्ड है उसको मोबिलाइज नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है हेड इंजरी की वजह से ज़्यादा वो सर्वाइकल इंजरी हुई है, ताकि उसका कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, तो इसको सर्वाइकल इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सर्वाइकल को मोबिलाइज नहीं करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, पेशेंट हॉस्पिटलाइज फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, द नर्स इन्फॉर्म द पेशेंट दैट शी विल बी डिस्चार्ज ऑन द नेक्स्ट शिफ्ट, अनदर नर्स रिसीव्ड हर, द नर्स हैज डिस्कस्ड विद पेशेंट एंड फैमिली एंड कन्फ्लिक्ट इज हैपेंड, वट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। ऑप्शन देखें, ए कॉल सुपरवाइजर इन्फॉर्म हर अबाउट द प्रीवियस नर्स एक्शन, ऑप्शन बी स्टार्ट प्रोसेस फॉर डिस्चार्ज, ऑप्शन सी चेक द पेशेंट फाइल, ऑप्शन डी नथिंग टू डू। इनके एक हॉस्पिटलाइज सर्जिकल पेशेंट जिसके सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, ऐसा वाला पेशेंट हॉस्पिटलाइज था, नर्स है द नर्स इन्फॉर्म द पेशेंट दैट शी विल बी डिस्चार्ज, इनके पेशेंट बोल रहा है कि वो डिस्चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट जो शिफ्ट में जो नर्स आई है रिसीव किया है, नर्स है वो डिस्कस करती है फैमिली के साथ में और उसको पता चलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, ऐसी वाली कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी? शॉर्ट वे में समझाएं कि एक शिफ्ट की नर्स है,
जिसको वो ओवर दे के चली गई है। उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट वाले जो नर्स आई है उसको पेशेंट बोल रहा है कि मेरा डिस्चार्ज के लिए बोल रही थी नर्स, तो ऐसी वाले कंडीशन में वो क्या करेगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी? ऐसी वाली कंडीशन में पेशेंट की जो फाइल होती है उसको चेक करेंगे कहीं पे डॉक्टर के ऑर्डर हैं क्या डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, पूरी फाइल चेक करेंगे। ऐसी वाली कंडीशन में ऑप्शन सी होगा, सी चेक द पेशेंट फाइल, पेशेंट की फाइल चेक करेंगे कहीं डॉक्टर ने डिस्चार्ज ऑर्डर लिखे हैं क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, चाइल्ड विद रूमेटिक फीवर हाउ कैन प्रिवेंट द रिकरेंट? ऑप्शन देखें, ए लेट देम कंप्लीट द एंटीबायोटिक कोर्स, ऑप्शन बी गिव वैक्सीन इन 9 मंथ्स, ऑप्शन सी आइसोलेट द इन्फेक्टेड चाइल्ड, ऑप्शन डी गिव वैक्सीन फॉर मदर। रोमेटिक फीवर पे कुछ दिन पहले भी क्लास में एक वीडियो क्वेश्चन आया था, यदि वो क्लास देखी है तो इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। ऐसे ही आते हैं रिलेटेड, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड आप आंसर इजीली दे सकते हैं। एक चाइल्ड है जिसको रोमेटिक फीवर है, तो रिकरेंट प्रिवेंशन क्या होगा इसका, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रूमेटिक फीवर को कैसे प्रिवेंट करते हैं? रूमेटिक फीवर को एंटीबायोटिक का कंप्लीट कोर्स देते हैं, ठीक है, बच्चों को कंप्लीट कोर्स देते हैं रूमेटिक फीवर के अंदर एंटीबायोटिक का कंप्लीट कोर्स करवाते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है, लेट देम कंप्लीट द एंटीबायोटिक कोर्स, एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ही डिस्कस द गोल ऑफ अ डिपार्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए गोल? ऑप्शन देखें, ए इलिमिनेट द इंसिडेंस ऑफ डिलेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस, ऑप्शन बी रिड्यूस रेस्पॉन्स टाइम टू 2 मिनट्स, ऑप्शन सी इंक्रीज द पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट, ऑप्शन डी एस्टाब्लिश रिपोर्ट विद पेशेंट्स। इनकी एक गोल, ही डिस्कस द गोल ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के गोल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गोल है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गोल है डिपार्टमेंट के अंदर, किसी गोल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गोल को इंडिकेट करता है? तो इनमें करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन सी इंक्रीज द पेशेंट सेटिस्फेक्शन। ये सऊदी प्रो मेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में आया है, ओमान के एग्जाम में आया है। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी इंक्रीज द पेशेंट सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, नर्स मैनेजर कंडक्ट सर्वे अबाउट पेशेंट फॉल, व्हाट फर्स्ट थिंग टू डू? ऑप्शन देखें, ए इंटरव्यू विद पेशेंट, ऑप्शन बी रिव्यू पेशेंट फाइल, ऑप्शन सी रिव्यू लिटरेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक नर्स मैनेजर है जो एक सर्वे कंडक्ट कर रही है किसके लिए, पेशेंट फाइल के लिए, तो इसमें फर्स्ट थिंक क्या होगी? इसमें मेन चीज़ है कि किसी भी सर्वे को करने के लिए फर्स्ट थिंक क्या होगी, ऐसा वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है क्लास में। फर्स्ट थिंक ऑफ द स्टार्टिंग एनी सर्वे, सर्वे रिसर्च, कोई भी सर्वे और रिसर्च स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग फेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट थिंग टू डू, व्हाट थिंग फर्स्ट थिंग टू डू इन द कंडक्टिंग ए सर्वे और रिसर्च। ऐसे वाले कंडीशन में पहले भी बताया आया है क्वेश्चन, ऐसे वाले कंडीशन में लिटरेचर रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट थिंग करके उसको इतिहास देखेंगे उसका, पहले का कैसे वो देखेंगे, तो रिव्यू लिटरेचर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर,
IQ लेवल इज 45, व्हाट लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन? ऑप्शन देखिए, ए सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, बी मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सी माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, डी नन ऑफ दीज। IQ लेवल आ रहा है 45, तो ये मेंटल रिटार्डेशन के कौन से स्टेप है, कौन से किस मेंटल रिटार्डेशन में इंक्लूड करेंगे इसको? IQ लेवल इज 45। ये सऊदी प्रोमेट, ये IQ लेवल के हिसाब से है कि मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर पूछा गया था, ये DHA में पूछा गया था, हार्ट में पूछा गया है, एंड कतर के एग्जाम में पूछा गया है, कुवैत के एग्जाम में पूछा गया, ओमान के एग्जाम में मई में नहीं पूछा गया था, ये इसमें अप्रैल में पूछा गया था ओमान के एग्जाम में मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर। देखिए मेंटल रिटार्डेशन पे जब भी एक क्वेश्चन आता है तो ये वाला चार्ट याद रखिए आप, ये रट लीजिए, मेंटल रिटार्डेशन पे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप ये रट्टा मार लीजिए इस चीज़ को जो आप देख रहे हैं, यानी कि 50 to 70 IQ लेवल आया तो वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, 35 to 50 के बीच ये आ रहा है तो ये मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है, 20 to 20 35 के बीच आ रहा है तो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है, और below 20 आ रहा है तो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ओके, तो अपना यहाँ पे IQ लेवल आ रहा है 45, यानी कि मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है ये, ठीक है, ये चार्ट याद रख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, रट्टा मारने की चीज़ है ये। ओके, अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिएगा इसको, ताकि आपको जब भी ये IQ लेवल पे पूछा जाएगा, IQ लेवल देखिए मेंटल रिटार्डेशन के रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजीली कर पाएंगे। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर, नर्सिंग सुपरवाइजर न्यूली इलेक्टेड वांट टू यूज डिसिप्लिनरी इवैल्यूएशन टू नर्सेज बिहेवियर, व्हाट टाइप ऑफ पावर सी यूजिंग? ऑप्शन देखें, ए लेजिटिमेट, ऑप्शन बी कोर्सिव, ऑप्शन सी रिवार्ड, ऑप्शन डी फॉर्मल। एक नर्सिंग सुपरवाइजर है, न्यूली इलेमिनेट कर रही है, वो यूज कर रही है डिसिप्लिनरी वायोलेशन टू नर्सेस बिहेवियर, तो ये किस टाइप का पावर यूज कर रही है? द नर्सिंग सुपरवाइजर है, ये किस टाइप का पावर यूज कर रही है यहाँ पे? अब एक चीज यहाँ पे फोकस करोगे कि यानी कि एक तरह से वो ऑर्डर डाल रही है, यानी कि एक ही पर्सन सभी को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो नर्सिंग सुपरवाइजर है वो सभी को कंट्रोल कर रहा है, इस सेंटेंस के में ये शो किया जा रहा है, ठीक है, ये शो कर रहा है कि एक सुपरवाइजर एक पर्सन है जो ऑल पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, तो ये आएगा कोर्सिव, कोर्सिव टाइप का पावर यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, एक ही पर्सन ऑल पर्सन को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, वेन नर्सिंग मैनेजर इनवाइट अनशेड्यूल्ड स्टाफ फ्रॉम सेम यूनिट टू कवर नर्सिंग शॉर्टेज, व्हाट दिस मैनर? ऑप्शन देखें, ऑन कॉल स्टाफिंग, सेल्फ स्टाफिंग, डेमोक्रेटिक एंड नन ऑफ दीच। इनके नर्सिंग मैनेजर है जो एक अनशेड्यूल्ड स्टाफ है, एक यूनिट के अंदर अनशेड्यूल्ड स्टाफ है जिसको इनवाइट कर रहा है ड्यूटी के लिए, उसके ही सेम यूनिट के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नर्सिंग शॉर्टेज की वजह से, तो व्हाट दिस मैनेजर, ये क्या किस प्रकार का मैनर है? देखिए यहाँ पे सेम यूनिट के अंदर ला लेके आ रहे हैं, तो ये होगा क्योंकि ये शेड्यूल नहीं था अपनी यूनिट के अंदर, और सेम यूनिट के अंदर हम लेके आ रहे हैं, तो ऐसे वाले कंडीशन में क्या होगा, ये ऑन कॉलिंग यानी कि कॉल करके इनवाइट कर रहा है, तो ऑन कॉलिंग स्टाफ होगा यहाँ पे, ऑप्शन होगा ए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए पेशेंट एडमिटेड ए वायरलेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, विच कोज रिस्क इन्फेक्शन थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन वुड द नर्स यू टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फॉर दिस ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन देखें, ए
ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी एयरबोन, सी कॉन्टैक्ट, डी ड्रॉपलेट। क्वेश्चन में ही आंसर है, एक पेशेंट है एडमिट है किसका वायरलेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, विच कॉज इन्फेक्शन थ्रू फिजिकल, यानी ये इसका रिस्क है जो फिजिकल कॉन्टैक्ट से ये फैलता है, ठीक है। तो इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन कंट्रोल क्वेश्चन वुड द नर्स यूज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फॉर दिस ऑर्गेनिज्म, इसको फैलने से कैसे रोक सकते हैं, कौन सा प्रिकॉशन यूज करेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैल रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन वहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट। ओके, ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम और ओमान के एग्जाम में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, मदर विद 11 मंथ इन्फेंट इज आस्किंग फॉर रॉन्ग एक्शन फॉर हर बेबी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर रिस्क फॉर हिम। ऑप्शन देखिए, ए बेबी बाथ विद वार्म वाटर, ऑप्शन बी यूजिंग रियर फेस कार शील्ड, ऑप्शन सी गिविंग हिम काउ मिल्क, ऑप्शन डी बॉइल्ड एग। किस चीज से बच्चे को रिस्क रहेगा, 11 मंथ ओल्ड बच्चा है तो इसके लिए कुछ रॉन्ग हो रहा है बच्चे के साथ, तो इसमें क्या कौन सी रिस्क है वो इसमें कंसिडर करते हैं, कौन सी चीज़ उस बच्चे को नहीं देनी चाहिए, 11 मंथ ओल्ड बच्चे को कौन सी चीज़ नहीं देनी चाहिए जो उसके लिए हार्मफुल हो सकती है, जिसको देना बच्चे के लिए गलत है। ये सऊदी प्रमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में आया है एंड कुवैत के एग्जाम में आया है एंड कतर के एग्जाम में आया है। देखिए कभी भी बच्चे होते हैं 5 से 10 साल, ये बोलते हैं कि 5 से 10 साल के बच्चे को हम काऊ मिल्क नहीं देते, बिकॉज काउ मिल्क है वो आगे जाके ओबेसिटी है एंड लाइक शुगर प्रॉब डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ऐसी वाली प्रॉब्लम बच्चे को कर सकता है। तो ऐसे वाले कंडीशन में बच्चे को कभी भी, छोटे बच्चे को आई थिंक 5 ईयर से छोटे बच्चे को कभी भी काउ मिल्क नहीं देते हैं। ओके, डायरेक्ट काउ मिल्क कभी नहीं देते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गिविंग हिम काउ मिल्क। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 नंबर, फर्स्ट थिंग फॉर नर्स आफ्टर नीडल स्टिक इंजरी विल डू। ऑप्शन देखें, ए राइट इंसिडेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी इमीडिएट ड्रेसिंग, ऑप्शन सी स्क्वेज हर फिंगर, ऑप्शन डी डू हाई टेस्ट फर्स्ट, सॉरी एचआईवी टेस्ट फर्स्ट। इनकी नर्स है जिसको नीडल स्टिक इंजरी हुआ है, ठीक है, नीडल स्टिक इंजरी हुआ तो उसका फर्स्ट थिंक क्या होगी, सबसे पहले क्या करेगी वो। ये सऊदी प्रोमेट्रिक और कुवैत के एग्जाम में आया है इसी अप्रैल मंथ, सॉरी मई मंथ में, इसी मंथ में आया है। देखिए जब भी किसी को नीडल स्टिक इंजरी होती है तो ऐसे वाले कंडीशन में सबसे पहले हम इंसिडेंस रिपोर्ट बनाते हैं। ओके, क्योंकि ये इंसिडेंस हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंस रिपोर्ट सबसे पहले बनाएंगे, फर्स्ट थिंग यही रहेगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ए 42 ईयर ओल्ड पेशेंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, द पेशेंट एंजियसली आस्क द नर्स अबाउट व्हाट विल हैपन इन द प्रोसीजर, द नर्स एक्सप्लेन दैट द एंडोस्कोपी ट्यूब विल बी इंसर्टेड डाउन हिज थ्रोट विच विल मेक हिम सीवियरली गैग बट ही विल हैव टू स्वालो इट, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द एंडोस्कोपी नर्स हैज यूज्ड हियर।
इनके 42 ईयर ओल्ड पेशेंट है अपने पास, जिसका अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी होना है। तो वो एनजीएस है और नर्स से पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा, इस प्रोसीजर में क्या होगा मेरे साथ। तो नर्स उसको एक्सप्लेन करती है कि जो ट्यूब है, एंडोस्कोपी ट्यूब है, वो आपके थ्रोट के अंदर से इंसर्ट करवाई जाएगी। इसमें हो सकता है कि आपको सीवियरली गैगन की उल्टी करने का मन करे, ठीक है, वो गैग रिफ्लैक्स हो, लेकिन उसके बाद भी आपको स्वेलो करना है ये, ठीक है। तो ये किस टाइप की कम्युनिकेशन है, ये एंडोस्कोपी नर्स है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन यूज कर रही है यहाँ पे। ऑप्शन देखिए, नॉन थेरापेटिक, बी थेरापेटिक, सी इंटरेक्टिव, ऑप्शन डी असर्टिव। किस टाइप का कम्युनिकेशन यहाँ पे एंडोस्कोपी नर्स यूज कर रही है? विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द एंडोस्कोपी नर्स हैज यूज हियर? यहाँ पे देखिए, वो उसको एक्सप्लेन कर रही है, प्लस रेस्पेक्टफुली एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पे, ठीक है, रेस्पेक्टफुली एक्सप्लेन कर रही है सारी चीज़ बता रही है। तो ये आएगा असर्टिव के अंदर, ओके। और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ए 10 मंथ ओल्ड इन्फेंट वॉज एडमिटेड विद रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया विद ए मंथ। ये मीडिया है मेड, ओके, मीडिया विद इन मंथ। ऑन असेसमेंट द नर्स नोटिस दैट द पेशेंट लो लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द कंडीशन, सॉरी थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है। हेल्थ टीचिंग इज प्लान, विच रिस्क फैक्टर शुड द नर्स इंक्लूड इन हेल्थ टीचिंग? ऑप्शन देखिए, ए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बी अ फॉरेन बॉडी, सी पेनफुल ईयर, डी हाई फीवर। इनके 10 मंथ ओल्ड चाइल्ड है जिसको रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया हो रहा है इन विद इन मंथ, इनके 1 महीने में उसको ओटाइटिस मीडिया हो रहा है। तो ऑन असेसमेंट में उन्होंने नोटिस किया कि पेरेंट्स हैं वो लैक ऑफ नॉलेज है, उनको इतना नॉलेज नहीं है इस कंडीशन के बारे में। तो हेल्थ टीचिंग प्लान किया जा रहा है उनके लिए। तो विच रिस्क फैक्टर शुड द नर्स इंक्लूड इन हेल्थ टीचिंग? कौन सा रिस्क फैक्टर है जो इसके अंदर इंक्लूड करेगी, किसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया गेन हो सकता है, किसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, किस चीज़ से उसको प्रिवेंट रखेंगे, किस चीज़ से बचाएंगे, ये भी बोल सकते हैं। देखिए, एक चीज़ पता होगा आपको, यूस्टेचियन ट्यूब नाम सुना होगा। यूस्टेचियन ट्यूब इज कंडक्टिंग द आवर थ्रोट एंड एयर, ओके। तो यहाँ पे देखो, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, तो उसके अंदर इन्फेक्शन यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू ईयर में जा सकता है। तो हमेशा ओटाइटिस मीडिया वाला पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी बचाना होता है, कोल्ड लाइक कोल्ड वगैरह से उसको बचाना होता है, ठीक है। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए यदि ओटाइटिस मीडिया से प्रिवेंट करना है तो। क्लियर, जिसको ओटाइटिस मीडिया एक बार हो जाता है उसको की प्रॉब्लम हो रही है ओटाइटिस मीडिया की, तो उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ए नर्स एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड ए मेडिकेशन एम्पुल, इन्फॉर्म द चार्ज नर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड ए एन इंसिडेंट, सॉरी कंप्लीटेड होगा यहाँ पे, कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, कंप्लीटेड एन इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नर्स रोल? थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, प्लीज डोंट माइंड, ओके। ऑप्शन देखें, ए एबिडिंग बाय द मॉरल ऑब्लिगेशन, ऑप्शन बी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन सी टाइमली डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन डी रेस्पॉन्सिवनेस। एक नर्स है, एक्सीडेंटली उससे कोई मेडिसिन है वो ड्रॉप हो गया, उसका एम्पुल ड्रॉप हो गया, टूट गया, बिखर गया है, तो उसने चार्ज नर्स को इन्फॉर्म कर दिया, प्लस एक इंसिडेंस रिपोर्ट है वो कंप्लीट, इंसिडेंस फॉर्म है, रिपोर्ट फॉर्म है, उसको कंप्लीट किया है, तो
ये किस टाइप का, किस चीज को बेस्ट डिस्क्रिप्शन करता है नर्सिंग रोल के, कौन से किस नर्सिंग रोल को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? ये सऊदी प्रोमेटिक के साथ साथ में डीएचए में भी आया, हार्ड में भी आया, कतर के एग्जाम में भी आया है, चार एग्जामों में ये आया है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे प्रोफेशन अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, प्रोफेशन के रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोफेशन अकाउंटेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, 10 ईयर ओल्ड मेल स्टूडेंट वॉज रेफर टू द स्कूल नर्स, ही वॉज फाउंड एबसेंट फ्रॉम स्कूल फ्रिक्वेंटली एंड द नर्स फाउंड दैट द फाइट विद हिज क्लासमेट्स एंड हिज एग्जामिनेशन रिजल्ट आर पुअर, वट इज द बेस्ट प्लेस द नर्स शुड मीट विद द स्टूडेंट? ऑप्शन देखें, ए नर्सिंग ऑफिस, बी प्ले ग्राउंड, सी कैंटीन, डी हाउस। इनके 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसको रेफर किया गया स्कूल नर्स के पास। नर्स ने पता लगाया कि बच्चा बहुत ज़्यादा स्कूल से एबसेंट रहता है और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे फाइट करता रहता है एंड उसके जो एग्जामिनेशन रिजल्ट हैं वो पुअर हैं। तो उस बच्चे के साथ डिस्कस करने के लिए, बच्चे के साथ मीटिंग करने के लिए कौन सा प्लेस बेस्ट रहेगा ये पूछा है। नर्सिंग ऑफिस, प्ले ग्राउंड, कैंटीन और हाउस। इनके बच्चे का हाउस कौन सा प्लेस है उसके लिए, उसके उसको मिलने के लिए बेस्ट रहेगा? ये भी सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में कतर और कुवैत के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। देखिए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चे के हाउस के वहाँ पे मीट करना इज बेस्ट रहेगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला, साथ में उसका फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है कि उस बच्चे के साथ कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो तो उनके साथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट प्लेस होगा उसका होम, हाउस। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, मदर्स ऑफ चिल्ड्रन एज 1 to 4 ईयर्स, व्हाट शुड यू टीच देम अबाउट देयर चाइल्ड सेफ्टी? एक मदर आई है बच्चे के साथ है, उस एज 1 to 4 ईयर एज है, तो उसको बच्चे की सेफ्टी के लिए क्या टीच करवाएंगे? ऑप्शन देखें, डोंट यूज वायलेंस बिकॉज इट टर्न आउट टू बी ए होमिसाइड। ऑप्शन बी पिकअप मेडिकेशन एंड साप्स। ऑप्शन सी एक्सीडेंट्स। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 1 से 4 साल का बच्चा है, उसको सेफ्टी के लिए, बच्चे की सेफ्टी के लिए मदर को क्या टीच करवाएंगे हम? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में इसमें हार्ड के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। देखिए 1 से 4 साल के बच्चे होते हैं वो, उनको नहीं मालूम होता है कि हमें ये चीज़ इंजरी कर सकती है, ये नुकसान कर सकती है। तो ऐसे वाले कंडीशन में जो भी लाइक मेडिसिन है, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट है, ऐसे वाले चीज़ों को ऊपर रखेंगे, बच्चे के हाथ नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि मेडिसिन है वो नुकसान कर सकती है एंड शार्प ऑब्जेक्ट है वो हाथ में लेके उसको नहीं मालूम है कि कट कट वट लग जाएगा। ऐसे वाले कंडीशन में ऑप्शन करेक्ट होता है बी, पिक अप मेडिसिन एंड शार्प्स, ठीक है, सांप ऑब्जेक्ट है, मेडिसिन है, उनको बच्चे से दूर रखेंगे, हाइट पे रखेंगे ताकि बच्चा ना ले पाए। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, न्यू बोर्न हैज स्मॉल व्हाइटिश पिन पॉइंट स्पॉट्स ओवर द नोज, विच ऑफ द नर्स शुड द कोज बाय द रिटेंट सेबेसियस सिक्रेशंस? वेन चार्टिंग दिस ऑब्जर्वेशन द नर्स आइडेंटिफाइज इट एज, एक न्यू बॉर्न है जिसका स्मॉल और वाइटिश पिन पॉइंट स्पॉट बने हुए हैं ओवर द नोज, ना नोक के, नोज के चारों तरफ। तो इसमें क्या है, विच ए नर्स नोज द कोज बाय द रिटेंट
यानी कि ये किसकी वजह से हो रहा है, रिटेंड सर्क्यूलेशन सिक्रेशंस की वजह से हो रहा है। तो चार्टिंग उसके ऑब्जर्वेशन को चार्ट करते टाइम, चार्ट में लिखते टाइम हम उसको क्या लिखेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखें, मंगोलियन स्पॉट्स, ऑप्शन बी वाइट हेड्स, ऑप्शन डी लेन्यूगो, ऑप्शन डी मिलिया। कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसको, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको समझाने के लिए एक चार्ट भी लेके आऊँ, ये फोटो जिसने आई थिंक घेत में है, ये क्वेश्चन घेत में भी है, ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में इसमें डीएचए में पूछा गया है, कुवैत के एग्जाम में पूछा गया है, एंड अभी परसों ही कतर के एग्जाम में भी पूछा गया है, परसों यानी कि थर्सडे को, सॉरी फ्राइडे को नहीं, थर्सडे को कतर के एग्जाम पूछा गया है। तो ये पिन पॉइंट्स बने हुए हैं, ये क्या चीज़ है, अपने वीडियो में भी आ चुका है पहले, ये पिन पॉइंट्स हैं, ये कहलाते हैं, इनको बोलते हैं मिलिया, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी मिलिया, ओके। ये आपका रेगुलर की तरह होमवर्क, लास्ट क्लास में तो नहीं दे पाया था मैं टेक्निकल इशू की वजह से, वो क्लास पहले ही ख़त्म हो गई थी, तो ये आपका होमवर्क है, कल इसका जो मैं क्लास स्टार्ट होते ही दूंगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माई वीडियोज, आई होप आपको आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए होती है तो मैंने हर एक वीडियो के एंड में मेरा नंबर दिया होता है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर मेरा सोशल मीडिया का लिंक मैंने अपने यूट्यूब बायो में दिया हो, वहाँ पे जाके मुझे सोशल मीडिया पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसको भी लाइक किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, डाटा फ्लो कराना है, एलिजिबिलिटी रहना, एग्जाम बुकिंग करना है, मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम मोबाइल की भी एज सुन एज पॉसिबल उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, एंड किसी को मटेरियल चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रैश कोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं, गारंटेड क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को मटेरियल चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो प्लीज़ वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, बाकी आप मेरे सोशल मीडिया पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम पे, ठीक है। पॉसिबल हुआ तो लाइव क्लास लेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डेड वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। कल फिर से मिलेंगे, और आज की क्लास के लिए अगेन थैंक यू सभी को, ओके बाय।